हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। आज मैं आपको आयसर का, मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है दोस्त, इसके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में एक एक स्टेप बताऊंगा विथ हेल्प ऑफ डीवीडी। मेरे पास इसका डीवीडी का सॉफ्टवेयर है दोस्त, देखिए एक मार्केट से मैं परचेज करके लाया हूँ, तो इस डीवीडी की मदद से मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें दोस्त, डीवीडी राइटर के अंदर अपना डीवीडी को इंसर्ट करें और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपके सामने क्या है, इसकी बायोस सेटिंग में जाना है दोस्त। हर एक कंपनी का बायोस सेटिंग में जाने के लिए अलग अलग की होता है। तो देखें, हमारा आयसर कंप्यूटर में जो हमारे पास फिलहाल डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसका बायोस में जाने के लिए रीस्टार्ट करने के बाद F2 की को प्रेस करेंगे तो इस तरीका से आपको क्या है, विजार्ड आ जाएगा, सीमोस सेटअप आ जाएगा दोस्त। इसके अंदर क्या करना है आपको, तीसरे वाले पर क्लिक करना है, एडवांस बायोस फीचर पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट बूट। इससे पहले आप ध्यान दें दोस्त, इसके अंदर का आप सिस्टम का डेट एक बार चेक कर लें। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले डेट में आया, ये देखें आज फिलहाल डेट है 17 तारीख, आज डेट 17 है दिसंबर 2022। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल 25 को 17 करता हूँ, ये देखें ये मैं 17 कर दिया, देखे दोस्त 17 कर दिया। जो करें 18 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या है, लेकिन याद रहे दोस्त एक बार ही कर सकते हैं, अगर दूसरा बार चेंज करना, जैसे आज डेट 18 है, 17 नहीं है 18 है, तो क्या है अभी ये दूसरा बार प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, टैब बटन का यूज करना है, ये देखें ये इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे, अभी 17 है, अभी इसको फिर से 18 वापस। तो ये देखिए फर्स्ट वाला दोस्त जो है वो क्या करता है, महीना शो करता है दोस्त। ऐसा आप यहीं पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट वाले को ही आप डेट समझ लेते हैं, जो फर्स्ट में लिखा है 12 वो मंथ है, और मिडिल वाला जो है दोस्त वो अपना डे है, मतलब आज 18 तारीख है, और लास्ट का जो है ईयर है। इस तरीका से करने के बाद आप इसको सिंपली एस्केप मारें, एस्केप मारने के बाद उसके बाद फर्स्ट बूट प्रायोरिटी डीवीडी सेलेक्ट करें, तो बायोस में जाएँ, ये देखिए लिखा है फर्स्ट बूट्स, इस पर इंटर मारें। सबसे पहले आपका ये हार्ड डिस्क रहेगा दोस्त ऐसे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद ये एरो वाले की से ये देख सी डीवीडी करना है और इंटर प्रेस करना है। अभी फर्स्ट बूट डिवाइस क्या हो गया, सी डीवीडी हो गया। उसके बाद आपको सेव करना है दोस्त, तो सेव के लिए देखें सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लिखा है कि सेव के लिए F10 प्रेस करना है। तो देखिए मैं कीबोर्ड का F10 प्रेस करता हूँ तो ये सेव का ऑप्शन आ गया। अगर आपको सेव करना है तो बोल रहा है ओके दबाएं, तो इंटर दबा देना है दोस्त। अगर नहीं करना है तो देखिए एरो से कैंसिल भी कर दे, लेकिन याद रहे जहाँ पे ब्लैक रहेगा वही सेलेक्ट है। तो देखिए ओके है, इंटर दबा दें। अभी क्या होगा, ये हमारा DVD से सेलेक्ट हो गया। अभी देखते हैं, अगर ये DVD से सेलेक्ट हुआ होगा तो ये DVD से बूट होगा दोस्त, लिखेगा कि कोई की एक प्रेस करें और अपना DVD से बूट हो जाए। सब फोर देखिए लिख दिया दोस्त, तो मैं ये की को कोई भी प्रेस करता हूँ इसमें, ये देखें आपका, ये देखें कोई एक की को मैं प्रेस कर देता हूँ। अब देखते हैं की प्रेस करने के बाद अभी फ़िलहाल ये हमारा DVD से बूट हुआ या नहीं हुआ, देखिए दोस्त ये हमारा DVD से बूट हो गया, एक लाइनिंग आया, कुछ देर के बाद ये हमारा बूट होगा तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बूट हो गया DVD से। उसके बाद आपको क्या इस तरह का बिजार्ड आएगा दोस्त, ये देखें इसे मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्त क्या है, लैंग्वेज टू इंस्टॉलेशन, इस पर रखना है दोस्त इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, और ये देखें सेकंड वाले पे हमारा क्या है, टाइम एंड करेंसी फॉर, इसमें दोस्त क्या करना है, इंग्लिश इंडिया, तो इंग्लिश इंडिया ऊपर आप स्क्रोल करेंगे तो देखें यहाँ पर हमको इंग्लिश इंडिया, ये देखें यहाँ पर सेलेक्ट करें और सिंपली नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ करें। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, पेन ड्राइव से भी सेम सेटिंग है दोस्त, मैं एक बार आपको पेन ड्राइव से भी डालना बता दूंगा, अभी फिलहाल मैं DVD से आपको बताता हूँ, ये देखें। उसके बाद दोस्त ये कि ऑप्शन खुलेगा, लिखेगा कि इसमें प्रोडक्ट की डालें, तो ये क्या होता है देखें, यहाँ पर अगर स्क्रोल करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट की दिखेगा यहाँ पर, लेकिन नहीं डालना है दोस्त यहाँ फिलहाल, अभी डोंट हैव प्रोडक्ट की करके करना है। उसके बाद ये डालने के बाद मैं आपको प्रोडक्ट की डालना बताऊंगा, किस तरीका से डालते हैं और ऑफलाइन कैसे एक्टिव करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, दोनों बताऊंगा। उसके बाद आपको ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं दोस्त, देखें, लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा विंडो 10 प्रो 64 बिट, यही आप सेलेक्ट करें, बाकी आप जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है ले सकते हैं।
ये देखें, फिर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए, एक दोस्त इस सॉफ्टवेयर का कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, इसको पढ़ें, नहीं तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएं। फिर देखें दो ऑप्शन शो करेगा, अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, दूसरा लिखा है कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। अगर ऊपर वाला बोल रहा है दोस्त कि अगर सिस्टम में आपका पहले से कोई विंडो 7 या 8 चल रहा हो, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका वो एप्लीकेशन या जो भी गेम इंस्टॉल करके रखे होंगे वो कहीं डिलीट नहीं होगा, विंडो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं रहता है दोस्त, आप फ्रेश इंस्टॉल करें। तो नीचे वाले पर हम सेलेक्ट करते हैं। नीचे वाले पर सेलेक्ट करने के बाद आपको देखें, ये नीचे का ये सी ड्राइव है दोस्त, ये डी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, और ऊपर इसका रिजर्व फाइल है। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व फाइल को फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, ये हमारा विंडो वाला है, ये इसको भी फॉर्मेट करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, याद रखेंगे, नहीं तो अगर आप किसी को डिलीट कर देंगे और अगर नीचे वाले को फॉर्मेट नहीं करना है दोस्त, तो आपका पूरा डाटा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैं फॉर्मेट कर दिया, उसके बाद इसी पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये देखें नेक्स्ट करने के बाद क्या है, ये देखिए हमारा DVD से फिलहाल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन ये 100% होगा दोस्त, 100% तक। मैं आपको वीडियो को पॉज करता हूँ, फिलहाल मैं 1% का वेट करता हूँ, उसके बाद जब 100% होने वाला रहेगा तो फिर मैं आपको देखिए अब ये फिलहाल क्या है, 98% आ गया दोस्त। मैं वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि टाइम लगता है दोस्त DVD से इंस्टॉल करने में। तो देखिए 98% हो गया है, फिलहाल मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें। तो क्या इस तरीका से क्या है, आपको DVD डालने के बाद वेट करना है, ये देखें 98, अभी 2% बचा है दोस्त, ये देखें 100 भी हो गया। उसके बाद क्या इस तरीका से क्या है, 3 टिक होगा और इंस्टॉलेशन अपडेट गेटिंग फिनिश लिखेगा, इस तरीका से आपको क्या है वेट करना है। वेट करने के बाद देखते हैं, देखें ये भी क्या है, 3 था अब 4 टिक हो गया, इंस्टॉलेशन अभी नीचे वाले पे होगा। तो यहाँ पे दोस्त आप मैन्युअली भी रीस्टार्ट नाउ कर सकते हैं, अभी देखें। इसके बाद ये फिर से क्या है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्या बोलेगा कि फिर से CD DVD वाला ऑप्शन आएगा। तो आपको इस बार क्या है दोस्त, कोई भी की प्रेस नहीं करना है, फिर से देखें ये बूट होगा, रीस्टार्ट होगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने क्या डाल के रखा है, CD DVD, देखें उसी से बूट, लेकिन इसमें कोई की प्रेस नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अभी ये हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा दोस्त, ये हमारा हार्ड डिस्क में चला गया, अब ये देखिए हमारा क्या है, हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा। और DVD भी अभी निकालना नहीं है, अभी ये हार्ड डिस्क से बूट होने के बाद दोस्त जब हमारी पूरी सेटिंग कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या है, DVD को निकालना है। तो देखें ये हमारा फिलहाल ये, फिर देखें दोस्त इस तरीका से आपको आएगा, उसके बाद कुछ देर के बाद डिस्प्ले आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या है दोस्त, हार्ड डिस्क से ये देखें स्टार्टिंग सर्विस, फिर ऐसे लिखेगा दोस्त गेटिंग डिवाइस रेडी, और इसमें परसेंटेज चलेगा, ये देखें, ये देखें गेटिंग रेडी लिख दिया दोस्त। पेन ड्राइव से भी सेम है दोस्त, सिर्फ इसमें क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने DVD सेलेक्ट किया था, पेन ड्राइव में हम पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, जाना हमको BIOS में ही है, BIOS में जाके फर्स्ट बूट प्रायोरिटी चेंज करना है। अभी देखे गेट रेडी, देखे दोस्त देखे अब ये क्या है, रीस्टार्ट हो गया दोस्त। तो फिर से क्या है, फिर से ये DVD का ऑप्शन आएगा, तो ये फिर से सेलेक्ट नहीं करना है, फिर से क्या है हमारा कंप्यूटर अभी क्या है देखो, फिर से हार्ड डिस्क से क्या है बूट हो गया। तो दो बार आपका क्या है दोस्त, विंडो डालने के बाद दो बार ये ऑप्शन आएगा CD DVD वाला, फिर से फर्स्ट टाइम में ही जो CD से आपने सेलेक्ट कर दिया उसके बाद जब 100% हो गया तो फिर कभी भी CD से सेलेक्ट नहीं करना है। अभी देखिए फिर से ये हार्ड डिस्क से क्या है बूट हो गया, अभी देखें बूट होने के बाद हमारा विंडो का लोगो आ गया। अभी देखें क्या क्या ऑप्शन आएगा दोस्त, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ, अब बस थोड़ा सा ही है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन क्या है आपको मैं पूरा विंडो का इंस्टॉलेशन बताऊँगा। देखें अभी फ़िलहाल ये ऐसा डेस्कटॉप आएगा दोस्त, जस्ट ए मोमेंट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस तरीका से क्या है दोस्त, आप पूरा इंस्टॉलेशन 1x1 देख सकते हैं। अभी देखें ये एक जस्ट मोमेंट का ऑप्शन आ गया, ये देखें देखें। उसके बाद दोस्त इस तरीका का आपका एप्लीकेशन आएगा, तो हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो आप इसमें इंडिया सेलेक्ट करें, नेक्स्ट कर दें, फिर जस्ट ए मोमेंट इस तरीका से आएगा। उसके बाद दोस्त इस कीबोर्ड लेआउट में आप इंडिया भी कर सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं दोस्त,
देखते हैं इसमें कोई इंडिया का अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो हम यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें दोस्त। कीबोर्ड वाला ये इसको एस कर दें। यस करने के बाद पूछ रहा है कीबोर्ड का लेआउट, इसमें आपको इसको स्किप कर देना है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद देखें, बोल रहा है कि आप नेट से कनेक्ट होइए, तो इसमें आप कर देना डोंट हैव इंटरनेट। उसके बाद दोस्त देखें इस तरीके का विजार्ड आएगा, इसमें आप लिखा है कनेक्ट नाउ कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप, तो आप इस पर क्लिक करना है दोस्त, कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप पे। अगर ये स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आप विंडो 10 को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, आपको क्या है दोस्त इधर ही घुमाता रहेगा। तो आप क्या इन स्टेपों को ध्यान से एक बार देखें। उसके बाद देखें इसका डिस्प्ले गया, फिर से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद हमेशा याद रखें दोस्त, सीडी डीवीडी डीवीडी वाला सेलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल कोई भी की को टच नहीं करना है, ये हार्ड डिस्क से ही बूट होगा। ये देखें फिर से हार्ड डिस्क से ही बूट हो गया, ये देखें फिर जस्ट मोमेंट ऐसा वाला ऑप्शन आएगा। अब की बार आपका क्या है पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीका से क्या है देखें, फिर से आपको एक बार ऐसा वाला ऑप्शन आएगा, तो इसमें आप यही करें तो डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, हमको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं, और कनेक्ट विथ लिमिट सेटअप पे। ये देखा यहाँ पे लिखा रहेगा कनेक्ट नाउ, कनेक्ट नहीं करना दोस्त, लिमिट सेटअप पे ही क्लिक करना है। ये हमेशा याद रखें, ये दो बार पूछेगा आपको। फिर देखिए आप आ गए, आप अपने हिसाब से इसमें यूजर नेम दे सकते हैं, मैं यूजर ही लिख देता हूँ दोस्त, कुछ भी दे सकते हैं नाम आप, आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा बट फिलहाल क्या है दोस्त ये थोड़ा ये देखें ये तो मैं यूजर लिखा हूँ और मैं नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड दे सकते हैं दोस्त, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड का भी, मैं बिना पासवर्ड का इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिलहाल अभी पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। याद रहे दोस्त इन सभी को आप ऑन भी रख सकते हैं बंद भी रख सकते हैं, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो क्या होगा आपका फ्रंट का कैमरा नहीं चलेगा। तो मैं फ़िलहाल क्या हमको इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकेशन का डायग्नोसिस डाटा का ये सब का, तो कोशिश करें इसको बंद करने में ही ज़्यादा अच्छा है दोस्त, ये सब बंद करने से ही अच्छा रहता है, फिर नेक्स्ट कर दें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नहीं कर सकते। फिर ये वाला ऑप्शन आएगा दोस्त लेट कॉन्टा, इसको आप नोट नाउ करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, नोट नाउ करना। फिर देखें ये इसका डिस्प्ले गया, अभी देखें हाय, ये देखें एवरी थिंग रेडी फॉर यू ऐसे करके एक मैसेज आएगा दोस्त, और आपका कंप्यूटर क्या है दोस्त फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। अब आपका सीधा ये लिखा ना, देखिए दिस मे टेक सेवरल मिनट्स, अभी कुछ मिनट लेगा दोस्त, और कुछ मिनट के बाद आपका कंप्यूटर पे लाके आपको बिल्कुल रेडी कर दे। ये देखें अभी ये कि यहाँ पे क्या है कुछ टाइम लेता है, इस पर थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद अभी ये हो जाएगा। ये फिर देखें आपका ये ऑप्शन आएगा लीव एवरी थिंग टू अस, अभी ये क्या है दोस्त हमारा फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। फिर देखें दोस्त ये ऑलमोस्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, और ये देखें आपका क्या है फाइनली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। तो इस तरीका से क्या कर सकते हैं। अब देखें डेस्कटॉप पे और ऑप्शन कैसे आएंगे दोस्त वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें और ये पर्सनलाइज में जाएँ, पर्सनलाइज में जाने के बाद ये खुलेगा, खुलने के बाद आप ये लॉक स्क्रीन है दोस्त इस पे जाएं और नीचे स्क्रॉल करें, लॉक स्क्रीन नहीं थीम पे दोस्त, थीम पे जाएं और नीचे करें, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, इस पे क्लिक करें और ये पूरे को क्या है चेक चेक कर दें, नेटवर्क यूजर कंप्यूटर, ये देखें कंप्यूटर, फिर करें अप्लाई ओके। ये देखें दोस्त आ गया, फाइनली आपका विंडो इंस्टॉल हो गया। तो इस तरीका से क्या है दोस्त आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसका थीम भी इस पर सेलेक्ट करें, आपका थीम चेंज हो जाएगा। ये देखें फाइनली मैं आपको विंडो 10 सॉफ्टवेयर की सीरीज से इंस्टॉल करना बता दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त तो मेरे चंडीमार टेक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।